अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर एआरपीडी जो है काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, क्योंकि मैं फ़ंड रेजिंग के लिए अमेरिका गई हुई थी, इंग्लैंड गई हुई थी। तो 1.5 महीने के बाद मैं आज पिशावर में अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जैसे ही मैं वॉक इन मैंने की, तो यकीन करें सबसे बड़ी जो मुझे खुशी मिली वो इस बच्चे को, जिसका नाम है युहाना। क्या नाम है? युहाना। युहाना को मैंने देखा तो युहाना के चेहरे पे एक बड़ी क्यूट सी, बहुत प्यारी सी स्माइल थी। और युहाना साहब जो है वो दौड़ते फिर रहे हैं हमारे एआरपीडी रिहैब सेंटर में। तो मैंने जब देखा तो टांग युहाना को लगी हुई है, आर्टिफिशियल लेम, और युहाना साहब जो है वो चौकड़ियाँ भरते फिर रहे हैं। तो यकीन करें, मेरी जितनी भी सारी फंड रेजिंग की थकावट थी, जो 1.5-2 महीने मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की और बहुत थका देने वाला मेरा स्केड्यूल था, और वो सारी मेरी थकावट युहाना साहब को देख के एक सेकंड में ख़त्म हो गई। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तुमने मुझे इस काबिल बनाया कि आज इस बच्चे को टांग लगी है और ये बच्चा दौड़ता फिर रहा है। फिर उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मुझे ये पता लगा कि ये माशाल्लाह से रिदा है, और ये रिदा बहन है युहाना की, और इनको भी आर्टिफिशियल लिम लगा हुआ है। तो फिर जब मैंने स्टोरी का पता किया कि भाई हुआ क्या इन दोनों बहन भाइयों के साथ, तो ये पता लगा कि ये उधर मोटरसाइकिल पे जा रहे थे अपने अब्बू के साथ, और एक ट्रक ने इनके मोटरसाइकिल को मारा और इनका एक्सीडेंट हुआ, और ये इनकी टांगें क्रश हो गई, ट्रक के नीचे आ गई, और डॉक्टर ने काट दी ऑब्वियसली, बिकॉज वो रिपेयरेबल नहीं थी। फिर उसके बाद ये तकरीबन कितने, 1 साल, जी, 1 साल मैं नहीं चल सकी। 1 साल ये दोनों नहीं चल सके बगैर लिम के थे। और फिर फाइनली हमारे सेंटर का इनको पता लगा और इनको हमने यहाँ पर दोनों को आर्टिफिशियल टांगे बना के दी। अब बाकी स्टोरी जो है हम पता करेंगे रिदा से, कि थोड़ा बताओ रिदा के कैसा फील कर रही हो, 1 साल जो नहीं चल पा रही थी तो क्या फीलिंग्स थी, अब क्या है? बहुत खुशी हुई कि मैं अब चल सकती हूँ। तो जब नहीं चल सकती थी तब कैसा लगता था? तब बड़ा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुश्किल था। जी अच्छा, तो आप हमारे डोनर्स को थैंक यू बोलेंगी? ज़ाहिर है ये जी क्यों डोनेशन से पूरा नहीं। इदारा चलता है, जी जी कि ये उनके तावन से अल्लाह ताला जी ने आपको, बिल्कुल अल्लाह ताला की मदद थी, उनका जी तावन था। जी तो हमें बहुत खुशी है कि आपको बिल्कुल तो हमारे इदारे से इतना मिला, और मिला। सब जी इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे कि बाकी सही, लोगों को भी मदद करें। ठीक युहाना साहब क्या बोलेंगे? युहाना बोलो। थैंक यू। थैंक यू। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। मैं यहाँ की मामा और रिद्धा की बहन, तो भाभी इसकी। अच्छा, ओके, ठीक। और बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इतना किया हमारे साथ। आपको अल्लाह बहुत दे। बस दुआ करें हमारे डोनर्स के लिए, जिनके तवस्सुल से ये सारा काम हम करते हैं। बहरहाल मुझे भी इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये खासकर ये छोटा बच्चा जब मैंने अंदर आते ही देखा ना, तो यकीन करें एकदम से मेरी सारी थकावट दूर हो गई। और मैंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तुमने मुझे जिस मकसद के लिए चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला की मदद से, मेरे डोनर्स की मदद से, और मेरे सारे स्टाफ मेंबर जो यहाँ पर एआरपीडी में बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, उन सब की मदद से हम वाकई इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हमें इस खिदमत पे मामूर रखे। और मैं सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि आप सबके बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। थैंक यू।